गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने घर में, और ठंडी में गरम गरम चाय की चुस्की लीजिए बैठ करके घर में, और अच्छे अच्छे खाना बना करके खाइए, क्योंकि ठंडी में ही तो अच्छे अच्छे खाना खाने का मज़ा होता है। यानी गर्मी में तो वैसे भी खाना नहीं खिलाता इंसान, एक रोटी खा लेता है, पसीना से तर होता है, तो कहाँ कोई खाना खाता है कायदे से। और ये ठंडी ही ऐसे मौसम होता है जिसमें हर चीज़ें उपलब्ध होती हैं और अच्छी चीज़ें खानी भी चाहिए। तो आपको मैंने मॉर्निंग में दिखाया था मैंने क्या खाना बनाया था, आज मैंने बनाया था। और ये देखिए, मैंने रबड़ से बांध लिया है बाल को, क्योंकि मैं टोपी लगाती हूँ ना, तो इसको हेयर को अंदर कर लेती हूँ और बाल बिल्कुल चिपू चिपू जैसे हो जाते हैं टोपी लगाने पर। कोई बात नहीं, क्योंकि ठंडी से बचना है ना। तो मैंने आपको सुबह दिखाया था कि मैंने बनाया था पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, और सच में ना बहुत ही टेस्टी थी। और दाल बनाया था, बजरा बनाया था, रोटी बनाई थी। तो फिर उसके बाद दोपहर में मैं किचन वगैरह साफ़ करके थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि आजकल ना कुछ भी टाइम का पता नहीं चलता, कब सुबह हो जाती, कब दोपहर हो जाती, कब शाम, कब रात हो जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो अभी जस्ट मैं बर्तन वर्तन धुली हूँ और दूध रखा था, तो फिर मैंने चाय बनाया, चाय पी हूँ। और अभी खाना रखा भी है, दाल भी रखी है, थोड़ी सब्जी भी रखी है, बाजरा भी रखा है और रोटी भी रखी है। तो ये भी देखते हैं, इस समय कुछ सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो थोड़ा ही से कुछ ना कुछ बनाऊंगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला, मतलब चाय के लिए मसाला, जो कि मैं काफ़ी दिन से ख़रीद के ले आई थी, और अभी मैं इसका पाउडर बना नहीं पाई हूँ। और मैं हमेशा ठंड में मतलब इसको बना के रख लेती हूँ, और जब भी चाय बनाती हूँ, खौलाती हूँ, तो इसको एक चम्मच डाल देती हूँ, एक चम्मच मतलब छोटा चम्मच, एक चम्मच डाल देती हूँ। तो चाय ना बहुत ही टेस्टी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलिए आप लोग भी देखिए और आप लोग भी बना करके रख लीजिए डिब्बे में, और जब भी चाय बनाइए ठंडी में, तो इसको आप एक चम्मच, छोटा चम्मच, एक चम्मच चाय में डाल दीजिए ना, तो उस चाय का मज़ा ही कुछ दूसरा होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो चलिए देखिए हम क्या क्या ले आए हैं उसको बनाने के लिए। तो ये लाई हूँ मैं जिंजर पाउडर, मतलब जिसको आप लोग सॉल्ट पाउडर भी बोल सकते हो। तो ये लाई हूँ, एक डब्बा ले ली हूँ मैं, लेकिन इसको मैं अपने अनुपात में अपने अनुसार ही डालूँगी। तो इसको लेकर के आई हूँ, और आप लोग भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग भी बना करके रखिए और चाय में डालिए ना, सच में ना बहुत ही टेस्टी चाय बनती है और शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये है बड़ी इलायची, जिसको देहात में डोड़ा बोलते हैं। तो ये देखिए, ये मसाला वाली ये इलायची है, तो इसको भी मैं ले आई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ढेर सारा ले आई हूँ। मैंने कहा कभी सब्जी वगैरह में भी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसमें तो मुझे डालना ही है। मैं अपने अनुपात अनुसार इसको डालूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाई हूँ, तो इसको भी आप लिख लीजिए बड़ी इलायची। और अपने अनुसार आप ले सकते हो, 10 ग्राम ले सकते हो, 20 ग्राम ले सकते हो, मतलब जितना आपको, मतलब ऐसा पाउडर बना के रखिए कि आपको पूरी ठंडी भर के लिए हो जाए। तो मैं इसको ले आई हूँ, 10 ग्राम है कि 20 ग्राम है ये बड़ी इलायची, लेकिन मैं इतना नहीं डालूँगी। मैं आप अपने अनुसार जैसे पाँच ठो आप इसको डाल सकते हैं बड़े इलायची, और छोटी इलायची भी लगती है। तो पहला हो गया जिंजर पाउडर, दूसरा हो गया बड़ी इलायची, और ये तीसरा हो गया ये हमारा लौंग, इसको तो आप लोग जानते ही हो। तो ये लाई हूँ मैं लौंग, 10 ग्राम है इसके करीब ये लौंग है, तो ये लौंग लेके आई हूँ। तीसरी हो गई लौंग, और ये चौथा हो गया ये हमारा दालचीनी, इसको आप लोग सभी कोई जानते हो, ये मसाले में भी काम देता है और वैसे भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और चाय वगैरह में डालिए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये चौथा हो गया हमारा दालचीनी, तो इसको भी मैंने ले लिया है, 10 ग्राम लिया है। और ये लिया है हमने सौंफ, तो मैंने एक पैकेट लिया है। आप इसको मतलब 10 ग्राम
के करीब आप ले सकते हो, लेकिन जब भी मैं भाभी बनाऊंगी तो आप लोग को इसका अनुपात ज़रूर बताऊंगी कि कितना कितना हमको सारा कुछ मिला करके डालना है। तो मैंने एक पैकेट ले लिया है, तो ज़रूरत भी पड़ती रहती है। तो ये सौंफ हो गया और ये हो गया हमारा काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ये है काली मिर्च। तो इसको भी मैंने ले लिया है 10 ग्राम। और ये ले लिया है मैंने बड़ी छोटी इलायची, जिसको आप लोग जानते ही हो। तो ये मैंने छोटी इलायची लिया है, ये करीब है 20 ग्राम के करीब, मैंने 20 रुपए का लिया है। तो ये है छोटी इलायची, तो इसको भी मैं अपने अनुसार डालूंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ज़्यादा, ये हमारे मोबाइल में क्या है ना, मेमोरी फुल हो गई है क्योंकि स्पेस नहीं रह गया था। तो अभी मैंने कुछ वीडियो इसमें से डिलीट कर दिया है जो मैंने अपलोड किया था, तो अभी जा कर के मतलब इसमें स्पेस हो गया है। तो हाँ, मैं दिखा रही थी आपको इलायची, फिर हुआ दालचीनी और ये इसको आप लोग जानते होंगे, ये है मुलेठी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो ये मुलेठी है। तो इसको भी ये भी हमको लगता है 10 ग्राम के करीब है। तो इसको मैंने मुलेठी भी लिया है। तो क्या क्या हो गया आप लोग लिख के रख लीजिए फिर से। ये है पहला जिंजर पाउडर, दूसरा है सौंफ, और ये तीसरा है छोटी इलायची, 20 ग्राम के करीब छोटी इलायची है, और ये 20 ग्राम के करीब बड़ी इलायची है, और ये है काली मिर्च, 10 ग्राम के करीब काली मिर्च है, और इसको मैंने आपको दिखाई दिया, ये है मुलेठी, और ये है लौंग, और ये है दालचीनी। तो चलिए आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लोग लिख लीजिए 10 ग्राम के करीब आप लोग ले लीजिए मुलेठी, 20 ग्राम के करीब ले लीजिए बड़ी इलायची, और 20 ग्राम के करीब छोटी इलायची, और ये सौंठ ले लीजिए। तो इसको आप अपने अनुसार मतलब डाल लीजिए चम्मच के हिसाब से, जिस तरह आपको पसंद हो। तो ये है सौंफ, तो जितना आप मतलब सौंठ का पाउडर डालना उतना ही सौंफ भी डाल देना। और ये है दालचीनी, 10 ग्राम के करीब है, और ये है काली मिर्च, ये भी 10 ग्राम के करीब है, और ये है लौंग, ये भी 10 ग्राम के करीब है। तो हमारा हो गया लौंग हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, काली मिर्च 1, दालचीनी 2, लौंग 3 हो गया, सौंठ पाउडर 4 हो गया, सौंफ 5 हो गया, छोटी इलायची 6 हो गया, बड़ी इलायची 7 हो गया, और मुलेठी 8 हो गया। तो ये 8 सामान हमको लगेगा। तो इस 8ों चीज़ को हम क्या करेंगे, इसको पहले खल में कूच लेंगे सारों मतलब सबको मिला करके, उसके बाद इसका मिक्सर में पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना करके फिर इसको हम डिब्बे में रख देंगे। जब भी आप चाय बनाइए, चाय जब खौलने लगे उसके बाद उसमें छोटा चम्मच के करीब 1 चम्मच आप डाल दीजिए, चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह आप चाय का मसाला बना के ज़रूर रखिए ठंडी में, आप भी पीजिए और अपने घर परिवार को भी पिलाइए। सर्दी जुखाम सब चीज़ से बचे रहोगे और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं कि किस हिसाब से इसको हम डालेंगे। आपको मात्रा तो मैंने बता दी है कि आप इतने खरीद करके ले आओ, और ये सारी औरतें जानती हैं कि हमको किस हिसाब से कितना हमको यूज़ करना है, उसी हिसाब से बनाती हैं। तो चलिए हम भी एक डब्बा बना करके मुझे रखना है ठंडी भर के लिए, ताकि पूरी ठंडी हमारा चल जाए। तो चलिए ठीक है, हम इसको मात्रा बताते हैं, आप भी देखिएगा और आप भी बनाइएगा इसी तरह। अब क्या है
तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने थाली में सब कुछ निकाल लिया है। और ये बड़ी इलायची मैं आपको गिनती से बता दे रही हूँ मैंने कितना लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मैं 20 ग्राम लेकर के आई थी बड़ी इलायची, और छोटी इलायची भी 20 ग्राम लेके आई थी। तो देखिए मैंने कितना लिया है, एक इलायची बड़ी वाली, दो, तीन, चार, पाँच, छः। चलिए देखते हैं फिर कट हो जा रहा, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस बिल्कुल रह ही नहीं गया। तो हाँ, मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारी सामग्री ले ली है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, मुलेठी, लौंग, काली मिर्च, सौंफ। तो मैं 20-20 ग्राम बड़ी इलायची 20 ग्राम लाई थी, 20 ग्राम छोटी इलायची लाई थी, 10 ग्राम दालचीनी थी, 10 ग्राम जो है ये मुलेठी थी, और 10 ग्राम काली मिर्च थी, 10 ग्राम लौंग था। तो मैंने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया। ये आप लोग भी अपने हिसाब से बना लीजिए कि आपको कब तक इसका यूज़ करना है, ठंडी भर तक यूज़ करना है, उसी हिसाब से आप बना लीजिए। और ये सारी लेडीजें जानती हैं हमको किस हिसाब से बनाना है। तो मैंने बड़ी इलायची देखिए अपने हिसाब से लिया है, तो आप भी अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे एक लिया है मैंने, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। मैंने 14 बड़ी इलायची ली है। और छोटी वाली में मैंने अपने अंदाज से देखिए, ये करीब 10 ग्राम के करीब होगी। तो मैंने सारा कुछ ले लिया है, सौंफ वगैरह, दालचीनी, ये सब कुछ ले लिया। तो अब मैं इसको डाल दूंगी, सारा कुछ जो है इसमें मैं खल में डाल दूंगी, सब कुछ डाल देती हूँ। ये दालचीनी डाल दिया, और ये मुलेठी डाल दिया, ये जो है बड़ी इलायची डाल दिया, और ये छोटी इलायची डाल दिया, और ये काली मिर्च जिसको आप लोग ब्लैक पेपर बोलते हो इसको इसमें डाल दिया, सौंफ भी डाल दिया, लौंग भी डाल दिया। तो आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने खल लिया हुआ है और इसी में मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो अब मैं इसको कूटूंगी, अच्छे तरीके से इसको कूट डालूंगी, दरदरा कर डालूंगी, उसके बाद ही मैं इसको मिक्सर में पीसूंगी। क्योंकि अभी मिक्सर में डायरेक्ट पीसेंगे ना तो सही नहीं है, और मिक्सर भी टूटने का डर है, है ना। तो चलिए, इसमें लहसुन पीसा है, महक तो नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने सारा जो है दरदरा हमने पीस लिया है, जो है ये सब कुछ दरदरा इसको कुछ लिया है। अब इसको मुझे जो है पीसना है, तो अब मैं इसको मिक्सर में पीसूंगी महीन। तो चलिए पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए इसको पीसते हैं हम जी। कुछ नहीं बनाएंगे। देखिए हमारा जो है चाय का मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप लोग भी बनाइए इसी तरह। इसकी महक ना, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो चाय जब बन जाएगी इसकी तो कितनी अच्छी लगेगी। तो आप लोग भी ये सारे मटेरियल डाल करके बनाइए, और इसी तरह पीस लीजिए और चाय खौलने लगे एक चम्मच छोटा चम्मच डालिए, और चाय का टेस्ट देखिए, आप खुद पीजिए और घर में भी पिलाइए, बहुत ही टेस्टी है। तो ये है मसाला चाय, जो मार्केट में मिलता है उससे काफ़ी अच्छा, इसमें बहुत कुछ मिला है आपको हमने दिखाया। तो आप भी ज़रूर ठंडे में इसको बना के रख लीजिए, और जाड़े में ज़रूर इसको यूज़ करिए। तो कैसा लगा मेरा ये चाय का मसाला,
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग भी बनाइए और घर भर को चाय बना के पिलाइए। तो रखते हैं, बाय बाय। ये देखिए, मैंने एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, तो ये मैंने मसाला जो है चाय का बना लिया है, इसमें अब डालूंगी मैं सोट पाउडर, तो सॉरी इसके लिए, मैं इसको बताना भूल गई थी। मैंने कहा ज़रूर आपको मैं बताऊं, नहीं तो आप लोग भी मिस कर दोगे। उसके बाद इसमें डालना है मुझे ये जो है सोट पाउडर, और कितना डालना है आपके पास इस तरह के बड़ा चम्मच हो इस तरीके का, तो इसको आप 1 चम्मच, ये देखिए पूरा भर के 1 चम्मच इसको इसमें मिला देना है, और 1 चम्मच के करीब इतना आधा मतलब थोड़ा सा इतना, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मुझे फिर से इसको फिर से मुझे जो है चला देना है, मिला देना है जो है, तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पीसने के बाद आप अगर आपके पास ड्राई ये जिंजर है, ड्राई अगर सोट का पाउडर है तो आप डालिए, वैसे भी आजकल पाउडर ही मिलता है, तो इसको आप एक बार फिर से चला दीजिए। ये देखिए मेरा अच्छे से अब ये मिक्स हो गया है, इसमें सोट पाउडर भी। तो बस हमारा चाय का मसाला बन के तैयार है। तो अब मैं इस डिब्बे में बंद करके रख दूंगी, और जब यूज़ करना होगा तो इसी में से मैं यूज़ करूंगी। तो ठीक है, आप लोग भी बना करके इसी तरह रेडी करिए, चाय में रोज़ डालिए छोटा चम्मच 1 चम्मच, और खुद पीजिए, घर भर को पिलाइए, सर्दी जुकाम सबसे बचे रहोगे, और बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। तो के लिए बाय बाय। अच्छा लगेगा ज़रूर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी चाय का ये मसाला चाय बनाने का तरीका आपको कैसा लगा।